पवन सिंह जो हैं वो आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, औरंगाबाद से लड़ेंगे। हैं? ऐसा लग रहा है पवन सिंह दिल्ली से। हाँ, पवन सिंह जो हैं वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, और वो भी किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के खिलाफ। नहीं यार, दिल्ली से नहीं लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे। आरा से लड़ेंगे, और वो लड़ेंगे किसके खिलाफ? आर के सिंह के खिलाफ। आरजेडी के टिकट से आरा से लड़ेंगे, दिल्ली से लड़ेंगे। हो सकता है आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे वो, और ये कंफर्म न्यूज 99.9% बता रहे हैं कि दिल्ली से लड़ेंगे। नहीं, बीजेपी से लड़ सकते हैं। बीजेपी उनको बोला है कि मैं टिकट दूंगा यूपी से। क्या बकचोदी है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये पवन सिंह को जब से टिकट के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद से कोई आके कह रहा है कि 99.9% चांस है कि वो आरजेडी से लड़ने वाले हैं, और वो कहाँ से लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे। फिर कुछ दिन बाद कह रहे हैं नहीं, वो बीजेपी से ही लड़ेंगे। हो सकता है कि औरंगाबाद से लड़ ले या फिर आरा से लड़ेंगे। अब वो टिकट कट गया। फिर कोई आगे कह रहा है कि नहीं, अब तो पवन सिंह जो है बदला लेने के लिए मनोज तिवारी से लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि निरहुआ रवि किशन और तीन चार लोगों को अनफॉलो कर दिए। मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पवन सिंह को जिताना है या पवन सिंह को हराना है, क्योंकि सबके खिलाफ करके आप जो है उनके सपोर्टर बढ़ा रहे हैं या सपोर्टर घटा रहे हैं। देखो क्या है ना, कि कहीं से भी लड़े, राजनीति है। राजनीति में क्या होता है कि जब तक कंफर्म नहीं होता है कोई चीज के बारे में, कहना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप सच्चे सपोर्टर हैं तो उनके इतने बढ़िया गाना आया, पवन सिंह ऑफिशियल पे आया है, चर्चा उसके बारे में होता क्या मजा आता ना। एक कलाकार के कामों के लिए चर्चा करें, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। भाई बड़े बड़े मीडिया चैनल हाउस बैठे रहते हैं आज तक, एबीपी न्यूज वाले, उन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या कुछ हो रहा है। वो भी अनठेकाने तीर मारते हैं, और फिर किसी के बारे में जो ये कहना कि फलाने के खिलाफ लड़ेंगे, चिलाने के खिलाफ लड़ेंगे, यार उसका सपोर्टर क्यों तोड़ रहे हो भाई? पहले से ही अभी तक तो टिकट ही नहीं मिला है। तो इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। और देखो कहीं से भी मिले टिकट, मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। बाकी आप लोग क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं।